वेल गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप कैसे अपने पीसी या लैपटॉप के अंदर पैरट ओएस को लेटेस्ट वर्जन 5.3 इलेक्ट्रो एरा के साथ इंस्टॉल कर सकते हो। पैरट ओएस एक बहुत ही पॉपुलर लिनक्स डिस्ट्रो है जिसे मोस्टली साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, एथिकल हैकर्स, नेटवर्क इंजीनियर्स एंड सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट यूज करते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग, सिक्योरिटी रिसर्च एंड फोरेंसिक्स के लिए। तो अगर आप अपना करियर साइबर सिक्योरिटी या फिर एथिकल हैकिंग के फील्ड में बनाना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम अभी इंस्टॉल करना चाहिए। अदरवाइज आप अगर एक नॉर्मल यूजर भी हो तो भी आप इसको अपने पीसी या लैपटॉप के अंदर इजीली इंस्टॉल कर सकते हो, बिकॉज ये 100% फ्री एंड सिक्योर है। ऑलराइट, तो पैरट ओएस को किसी भी पीसी के अंदर इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने पीसी को इंटरनेट से कनेक्ट कर लेना है। देन कोई भी एक ब्राउजर ओपन करके आपको जस्ट सर्च बार में टाइप करना है पैरट ओएस डाउनलोड। एंटर हिट करने के बाद आपको एक वेबसाइट लिंक मिलेगा www.parrotsecurity.org। आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक करके पैरट ओएस की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है। उसके बाद पैरट ओएस की आईएसओ फाइल को डाउनलोड करने के लिए आपको इस ब्लू कलर के डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। इस पेज पर आपको पैरट ओएस के काफी सारे एडिशन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि होम एडिशन, हैक द बॉक्स एडिशन एंड सिक्योरिटी एडिशन। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहां से किसी भी एक एडिशन की आईएसओ फाइल डाउनलोड कर सकते हो। तो यहां पर इस वीडियो में मैं आपको सिक्योरिटी एडिशन इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूं। तो आपको जिस भी एडिशन की आईएसओ फाइल डाउनलोड करनी है, आपको उस एडिशन के ऊपर क्लिक करके यहां पर व्हाइट कलर के डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। देन यहां से आपको लिस्ट में से आईएसओ के ऊपर क्लिक कर देना है और इस तरीके से यहां पर पैरट ओएस की डिस्क इमेज आपके पीसी के अंदर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। अभी के लिए मैं इस डाउनलोडिंग को यहां से कैंसिल कर देता हूं, बिकॉज मैंने आईएसओ फाइल ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है टाइम सेव करने के लिए। तो यार, जैसे ही पैरट ओएस की आईएसओ फाइल आपके पीसी के अंदर डाउनलोड हो जाएगी, अब आपको यहां पर एक छोटा सा टूल डाउनलोड करना है जिसकी हेल्प से हम अपनी इस आईएसओ फाइल को अपनी पेन ड्राइव के अंदर फ्लैश कराएंगे, यानी कि हम अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाएंगे पैरट ओएस को इंस्टॉल करने के लिए। तो अब आपको अपने ब्राउजर के अंदर न्यू टैब ओपन करनी है एंड सर्च बार में टाइप करना है बलेना एचर डाउनलोड। एंटर हिट करने के बाद आपको एक वेबसाइट लिंक मिलेगा www.hr.balena.io। आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक करके बलेना एचर की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है। देन बलेना एचर टूल को अपने पीसी के अंदर डाउनलोड करने के लिए आपको इस ग्रीन कलर के डाउनलोड एचर बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको एचर फॉर विंडोज के सामने वाले ब्लू कलर के डाउनलोड ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है और इस तरीके से बलेना एचर सॉफ्टवेयर आपके पीसी के अंदर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोडिंग कंप्लीट होने के बाद अब आपको अपने ब्राउजर को क्लोज कर देना है और डाउनलोड लोकेशन पर आने के बाद इस टूल को अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल करने के लिए आपको इस डाउनलोडेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर डबल क्लिक कर देना है। यहां पर बलेना एचर सेटअप की एक विंडो ओपन हो जाएगी। आपको आई एग्री बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहां पर बलेना एचर सॉफ्टवेयर आपके पीसी के अंदर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद कुछ ही सेकंड्स के अंदर कुछ इस तरह की विंडो आपके पीसी के ऊपर ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी। अब यहां पर आपको जरूरत पड़ेगी एक पेन ड्राइव की, जो कि मिनिमम 8 GB की होनी चाहिए। तो मेरे पास यहां पर मेरी 32 GB की पेन ड्राइव अवेलेबल है। मैं अपनी 32 GB की पेन ड्राइव को अपने सिस्टम के अंदर प्लग इन कर देता हूं। मैंने अपनी 32 GB की पेन ड्राइव अपने सिस्टम के अंदर प्लग इन कर दी है। अब आपको इस सॉफ्टवेयर के ऊपर वापस आ जाना है और यहाँ पर आपको ब्लू कलर के फ्लैश फ्रॉम फाइल बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपनी डाउनलोड लोकेशन पर जाना है जहाँ पर आपकी आईएसओ फाइल डाउनलोड हुई है। यहाँ से आपको अपनी पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम की आईएसओ फाइल को सेलेक्ट करना है, देन ओपन बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मेरी पैरट ओएस की आईएसओ फाइल सेलेक्ट हो चुकी है। अब आपको ब्लू कलर के सेलेक्ट टारगेट बटन के ऊपर करना है। यहाँ से आपको अपनी पेन ड्राइव के सामने वाले चेक बॉक्स को टिक कर देना है, देन अगेन आपको सेलेक्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मेरी पेन ड्राइव भी सेलेक्ट हो चुकी है। अब आपको अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए इस ब्लू कलर के फ्लैश बटन के ऊपर क्लिक कर देना है और विंडोज कमांड प्रोसेसर को यस में परमिशन देने के बाद आपकी पेन ड्राइव यहाँ पर बूटेबल बनना स्टार्ट हो जाएगी।
फ्लैशिंग कंप्लीट होने के बाद अब आपको इस सॉफ्टवेयर को क्लोज कर देना है और अपनी पेन ड्राइव को अपने सिस्टम से निकाल लेना है। तो फाइनली गाइज, अब हमारी बूटेबल पेन ड्राइव रेडी है किसी भी सिस्टम के अंदर पैरेट ओएस को इंस्टॉल करने के लिए। अब आपको अपनी इस बूटेबल पेन ड्राइव को उस सिस्टम के अंदर लगा देना है जिसके अंदर आप पैरेट ओएस को इंस्टॉल करना चाहते हो। देन अपने सिस्टम को पावर ऑन करके उसके बायोस मोड में चले जाना है। तो यहाँ पर मैं अपने पीसी के बायोस मोड में आ चुका हूँ। यहाँ पर UEFI बूट के अंदर में इसने मेरी पेन ड्राइव को डिटेक्ट कर लिया है। अब मुझे इस पेन ड्राइव को ऊपर लेकर आना होगा जिससे कि मेरा जो लैपटॉप है वो मेरी इस पेन ड्राइव से बूट होगा। तो मैं डाउन एरो की हेल्प से नीचे बायोस सेटअप पर जाता हूँ और इसके ऊपर ही एंटर कर देता हूँ। देन मैं यहाँ से बूट सीक्वेंस पर आता हूँ। बूट सीक्वेंस पर आने के बाद मैं यहाँ से अपनी पेन ड्राइव को सेलेक्ट करता हूँ और इस एरो की हेल्प से ऊपर कर देता हूँ। बूट ऑर्डर चेंज करने के बाद मेक श्योर कि आपका जो बूट लिस्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर UEFI पर सेट होना चाहिए और सिक्योर बूट आपके पीसी के अंदर डिसेबल होना चाहिए, तभी आप किसी भी लिनक्स डिस्ट्रो को अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल कर पाओगे। तो इन सभी सेटिंग्स को मैच करने के बाद आपको नीचे अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। देन आपको सेव एज कस्टम यूजर सेटिंग के सामने वाले चेकबॉक्स को टिक करके ओके बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे से एग्जिट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मेरा पीसी रीस्टार्ट हो चुका है और इस बार मेरी पेन ड्राइव से बूट हुआ है। अब यहाँ पर आपको चार ऑप्शन मिलते हैं, तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर ही एंटर कर देना है। यहाँ पर स्क्रीन पर प्यारा सा पैरेट ओएस लिखा आ चुका है और कुछ सेकंड बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके कंप्यूटर के ऊपर ओपन हो जाएगी। आप चाहो तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ से टेस्ट भी कर सकते हो डायरेक्टली बिना इंस्टॉल करे, लेकिन अभी मैं यहाँ पर इसे इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पर दिए हुए इंस्टॉल पैरेट वाले इस आइकन के ऊपर डबल क्लिक करूंगा। यहाँ पर पैरेट सिक्योरिटी इंस्टॉलर की एक विंडो ओपन हो चुकी है। आपको यहाँ पर नीचे से अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट अमेरिकन इंग्लिश सेलेक्ट है। मैं अमेरिकन इंग्लिश ही सेलेक्ट रहने दूंगा और मैं नीचे नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ से आपको अपना रीजन सेलेक्ट करना है और यहाँ से जोन सेलेक्ट करना है। तो आप चाहो तो आप यहाँ पर डायरेक्टली मैप पे भी सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर इंडिया को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरा रीजन एशिया सेलेक्ट हो चुका है एंड मेरा जोन कोलकाता सेलेक्ट हो चुका है। इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। इस स्क्रीन पर आपको अपना कीबोर्ड लेआउट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर इसने इंडियन बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करा है, मैं यहाँ पर इंडियन ही रहने दूंगा। लेकिन यहाँ पर ये मेरी हिंदी कीबोर्ड शो कर रहा है, यानी कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर डिफॉल्ट को चेंज करके इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट करूंगा। तो अब यहाँ पर मेरी इंग्लिश कीबोर्ड दिखाई दे रही है, यानी कि अब ये परफेक्ट है। उसके बाद मैं फिर से नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे जो भी आपके सिस्टम के अंदर लगी हुई है हार्ड डिस्क या फिर SSD, ये उसे डिटेक्ट कर लेगा। अब यहाँ से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर नो ड्यूअल बूट कर रहे हैं, यानी कि हम अपने पूरे पीसी की हार्ड डिस्क को क्लीन करके इस पैरेट ओएस को इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा, इरेज डिस्क। देन उसके बाद मैं यहाँ पर नीचे से नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब इस स्क्रीन पर आकर आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, अपना नेम टाइप करना है, अपना यूजर नेम टाइप करना है, अपना कंप्यूटर नेम टाइप करना है, देन पासवर्ड टाइप करना है और वही सेम पासवर्ड आपको इस बॉक्स के अंदर टाइप करना है कंफर्म करने के लिए। तो मैं जल्दी से ये सारी डिटेल्स टाइप कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर सभी डिटेल्स टाइप कर दी है। इन सभी डिटेल्स को टाइप करने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर ही आपको शो कर देगा कि आपने प्रीवियस स्क्रीन पर लोकेशन क्या सेलेक्ट करी है, कीबोर्ड लेआउट क्या सेलेक्ट करा है, पार्टीशंस में क्या सेलेक्ट करा है, ये सभी डिटेल्स आपको इस स्क्रीन पर शो हो जाएंगी। तो इन सभी डिटेल्स को कंफर्म करने के बाद आपको फाइनली इंस्टॉल वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक छोटा सा पॉपअप आएगा, तो इस पॉपअप के ऊपर आपको इंस्टॉल नाउ बटन के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपका पैरेट ओएस आपके पीसी के अंदर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आप प्रोसेसिंग भी देख पाओगे कि कितने परसेंट इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है एंड वेट कर लेना है। तो जैसे ही पैरेट ओएस का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, स्क्रीन पर लिखा जाएगा ऑल डन और यहाँ पर रीस्टार्ट नाउ के सामने वाले चेकबॉक्स के ऊपर बाय डिफॉल्ट टिक लगा होगा। तो आपको नीचे डन बटन के ऊपर माउस का क्लिक करके इंस्टॉलेशन को फिनिश कर देना है और अपनी पेन ड्राइव को अपने सिस्टम से निकाल लेना है। तो यहाँ पर मेरा पीसी रीस्टार्ट होने के बाद ग्रब बूट लोडर मेरे स्क्रीन पर ओपन हो चुका है। अब पैरेट ओएस को चलाने के लिए आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर ही एंटर कर देना है। लॉगिन स्क्रीन आ चुकी है, तो फटाफट से मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड टाइप करके लॉगिन कर लेता हूँ।
एंड फाइनली गाइज मैं यहाँ पर अपने पैरट ओएस के अंदर लॉगिन हो चुका हूँ, जहां पर आप इसको चला सकते हो, इजीली सारे टूल्स को यूज कर सकते हो, इसके फाइल एक्सप्लोरर को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो यहाँ पर ये काफी ज्यादा स्मूथ चल रहा है मेरे सिस्टम के अंदर, बिकॉज हमने कंप्लीट हार्ड डिस्क के अंदर अपने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया है। तो आप मुझे वीडियो के नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना कि आपके पीसी के अंदर ये ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, और अगर इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते टाइम आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां पर मैसेज कर सकते हो।